चलो निकालो। कैसे बनाओगे ध्यान दो, आर इक्वलेंट सीरीज में क्या है, 4 ओम और 2 ओम, तो इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो यहाँ पर लिखना होगा, देखो बोर्ड एग्जाम में अगर जाएगा क्वेश्चन तो कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि हम लोग को स्टेप मार्किंग का भी कोई मार्क्स रहता है हाँ, अगर नहीं लिखोगे तो कटेगा। तो यहाँ लिखना होगा, सिंस 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, देयरफॉर आर डैस इज इक्वल टू 2+4 विच इज 6 ओम। अब सर्किट फिर से बना दो आप, ये 6 ओम हो गया और इधर कितना है, 3 ओम, और ये कनेक्टेड कितने से है, बैटरी से। यहाँ पर 1 एम्पियर दिया हुआ है। अब ध्यान दो, 3 ओम और 6 ओम ये किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट तो यहाँ पर लिखना होगा फिर से, हियर 6 ओम एंड 3 ओम पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल है तो आर डैस आर इक्विवेलेंट क्या लिख लोगे, 6 × 3 R1 R2 बाई R1+R2 में लोग पढ़े थे, मतलब तो ये हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट। एक पार्ट आ गया। अब बोल रहा है कि बताओ इसमें करंट कितना होगा और यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो समझो इस बात को, यहाँ पर करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V=IR, तो V=3×1 विच इज 3 वोल्ट। अब समझो ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है विथ बैटरी, तो जितना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही 3 ओम उतना ही 6 ओम के साथ। तो यहाँ देख लो, सेम एंड 6 ओम, यहाँ लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, मैं V3 कर देता हूँ, ठीक है, या V ऐसे लिख सकते हो इसको, V ब्रैकेट में 3 ओम, ठीक है। 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल विथ बैटरी, ये हो जाएगा बैटरी की EMF। अब तीसरा पार्ट क्या है कि करंट ऊपर वाले आर्म में निकालना है, तो ऊपर वाले आर्म की रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, और भी पता है तो भी आई इक्वल टू क्या लगता है, V/R, हो गया। एक और तरीके से इसको निकाला जा सकता था, हमने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया कितना, 2, बैटरी की वोल्ट कितना निकला है, 3 वोल्ट, तो बैटरी से करंट निकाल लो कितना होगा, करंट थ्रू बैटरी कितना होगा, 3 वोल्ट / 2 आई टोटल, ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर, जिसमें से 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर कितना बचा, 0.5 एम्पियर, वैसे बना सकते हो, आई बात समझ में, क्लियर है, चलो लिख लो। चलो दूसरा क्वेश्चन रहा, ये आपको दिया है यहाँ पर ऊपर वाले आर्म में करंट कितना है, 1 एम्पियर, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा है ऐसा कि E=what, I=what एंड नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, ये 3 क्वेश्चन इसमें है। ऑल्सो फाइंड, थोड़ा और लिख लेता हूं, V across 3 ओम
तीनों में रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है चलो बनाओ। ध्यान दो, आप अगर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हो इसमें तो इधर का तो इक्विवेलेंट निकालोगे ही, लेकिन वो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है, वो सर्किट के एक्सटर्नल पार्ट का। लेकिन बैटरी में इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड है और एनोड है, हाँ उसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ गुड कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, तो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है और उसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, हाँ वो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। ठीक है तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। तो अब आप इक्विवेलेंट जब लिखोगे ना तो उसमें 2 ओम ही यूज होगा। ठीक है सर्किट की जब बात होगी तो चलो पहला चीज की ये तीनों क्या है, तो ऐसे कर दो आर सर्किट, ये मतलब इसका कैलकुलेशन चालू हो रहा है। ठीक है तो ध्यान दो, 12 ओम 6 ओम एंड 4 ओम आर इन, गुड। तो 1 बाई आर क्या लिखेंगे, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम 12 होगा, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, चरती 12। ठीक है होगा ना, 3 × 5 = 6, 6 × 12। लेकिन अब तो आर सर्किट क्या लिखोगे, अब ध्यान दो इन तीनों के जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 ओम से, और उसके साथ 3 ओम किस में, पैरेलल में। अब ये सर्किट मेरा कुछ इस तरीके से हो गया, और इसी चलते बैटरी को कभी ऐसे दिखाया जाता है, पता है लाइक दिस, इसका ईएमएफ ई है और ये आर है, आर कितना दिया हुआ है, 2 ओम। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये भी सीरीज में है साथ में, इसको ओमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है यहाँ पर 3 ओम है और ये है आपका 2 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 + 2 + 2 विच इज 7 ओम। अब ध्यान देना ये 12 ओम के साथ करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो आप क्या करो, इसको मैं पॉइंट ए देता हूँ फिलहाल के लिए, इसको मैं ऐसे सुनो ए नहीं दो, ए यहाँ पर देता हूँ, इसको मैं सी देता हूँ और इसको मैं बी देता हूँ। तो भी सी बी कितना हमारा निकल जाएगा, भी सी बी कितना आएगा, ध्यान दो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस उतना ही 6 ओम के क्रॉस और उतना ही 4 ओम के क्रॉस, तो और वो कितना भी सी बी है, तो भी सी बी कितना हो जाएगा, 12 × 1 12 वोल्ट आया। अब इसके थ्रू करंट निकल जाएगा आई थ्रू 6 ओम कितना होगा, 12/6 2 एम्पियर, मतलब यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। सिमिलरली आई थ्रू 4 ओम कितना हो जाएगा, 12/3 मतलब 3 एम्पियर। तो ध्यान दो यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना निकला, 3 × 5 = 6 6 एम्पियर, मतलब यहाँ भी 6 एम्पियर इंट्री मार रहा था। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, भी ए सी, तो वी ए सी कितना हो जाएगा, आई आर, एटीन वोल्ट आया। ठीक है तो इस इक्वेशन के लिए, इस सर्किट के लिए अगर इक्वेशन आप लिखना चाहो, अभी हमने बताया नहीं हूँ लेकिन ये जान जाओ, सेल के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेल के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या मैं बता रहा हूँ कैसे, ई माइनस आई आर कहते हैं। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, जब सेल में से करंट बाहर आ रहा है मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस आई आर, और ई माइनस आई आर यहाँ पर कितना है, ध्यान देना बाहर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस कितना है, 18, इसके अक्रॉस कितना है, 12, तो 12 और 18 कितना हो गया, 40, तो ये हो जाएगा 12 प्लस
1800 यहाँ 30 वोल्ट, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 30 प्लस IR, I कितना है हमारा 6, 30 प्लस 6 × 2 मतलब कि 42 वोल्ट, ये हो गया हमारा E की वैल्यू। तो हमारा E का वैल्यू आ गया 3 वोल्ट के क्रॉस, यही पूछ रहा था, 3 ओम के क्रॉस, वो भी आ गया कितना AC। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC 3 ओम, ठीक है। अब ध्यान दो, ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, तो पोटेंशियल इक्वेशन लिखने का प्रयास करो, समझो बात को। हम लोग जानते हैं करंट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मैंने लिखवा चुका हूँ। अब समझो, करंट ऐसे जा रहा है, आई जा रहा है, हम मान लो इसको ए बोलते हैं और इस पॉइंट को बी बोलते हैं। बैटरी का पता है कि ये हायर पोटेंशियल होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। अब इसको थोड़ा सा साइड करके मैं ले लेता हूँ, मैं जैसे एक क्वेश्चन वाला ये पार्ट हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमारा हो गया है लगभग। अब ध्यान दो, हम इसको थोड़ा सा इलोंगेट करके लिख ले रहे हैं, ये इसको मैंने ए लिया है और इसको लिया है बी, यह है 2 ओम और यह है ई, ये प्लस है ये माइनस है। तो ध्यान देना करंट किधर जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, बी से ए की तरफ जा रहा है, तो हायर और ये हुआ लोअर, करंट गोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो अब ध्यान देना, वी ए इसकी पोटेंशियल मान तो वी है, ठीक है, प्लस से माइनस आगे बढ़ रहे हो तो क्या जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, हायर से लोअर जा रहे हो, मतलब वी ए में से डिक्रीज होगा। वी ए मान लो इस पोजीशन पर था, अब इससे माइनस मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इस पोजीशन पर आने के लिए क्या करोगे, इतना सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं, तो ये प्लस था, वी ए वाला साइड प्लस पर था और वी ए का दूसरा साइड कितना होगा, माइनस में, कितने से, ई से, तो क्या लिखेंगे, माइनस ई। आई बात समझ में, सेल के अकॉर्डिंग चलो ये प्लस होता है माइनस होता है, आप इधर से हमें बी तक पहुंचना है, तो अभी मैंने जस्ट बैटरी को क्रॉस किया और बैटरी को क्रॉस किया तो प्लस से क्या गए, माइनस गए, तो माइनस ई हुआ। फिर आगे बढ़ो माइनस से प्लस, अब क्या हुआ, लोअर से हायर जा रहे हो, तो लोअर से हायर मतलब प्लस, लोअर से हायर ऐड करके जाएंगे, कितना आई इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी होगा, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, इसी को वी ए बी कहेंगे हम लोग, दैट इज इसको इधर लेके आए तो ई दोनों क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस ई प्लस में हो जाएगा और माइनस ये, तो ये हो जाता है वी ए बी का फॉर्मूला। अभी आई आर ही करके लिखो, ठीक है, इसको भी आर रहने देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ गया ई माइनस, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल का, नहीं समझे, फिर से समझो, ध्यान दो, बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि बैटरी का जो बड़ा वाला साइड होता है उसको क्या कहते हैं, हायर पोटेंशियल, और छोटका वाला जो होता है कैप जहाँ पर लगा होता है उसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं। दूसरी बात क्या, करंट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बस ये दो स्टेटमेंट याद रखोगे आपको सारे डेटा याद हो जाएंगे, समझो इसको। अब हम लोग ए से बी तक रीच करना है, वी हैव टू रीच फ्रॉम ए टू बी। अब ध्यान दो, हम लोग जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस मीन्स व्हाट, हायर, ए वाला साइड हायर पर है और ए के सेल के दूसरा साइड क्या है, लोअर पर है, ये दिखा रहा है माइनस दिखा रहा है मतलब क्या, लोअर, तो हायर से लोअर आना है, क्या करना, उतरना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करके आना होगा ना, आपके पास ज़्यादा पैसा था, कम पैसा पर आना, कैसे, खर्चा करना होगा, हटाना होगा, निकालना होगा, तो सब्ट्रैक्ट किया, कितना से, ई, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। अब फिर और आगे बढ़ो, अब बी पर आ गया है, नहीं आया हूँ, अभी बी पर आने में एक और हमारा हिंड्रेंस है, अब इसको क्रॉस करते हैं तो माइनस से प्लस, ये प्लस माइनस कहाँ से आया था, करंट गोज फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, करंट इधर जा रहा है ना तो हायर टू लोअर, अगर ये करंट इधर जाता तो ये प्लस है ये माइनस होता, क्या क्या, नहीं रेजिस्टेंस है भाई, आपके रास्ता में कहीं रोड़ा रखा हुआ है तो क्या तुम पार्क करके नहीं जाओगे, गाड़ी स्लो लेकर के जाओगे, अगर कहीं पर मान लो वो ब्रेकर लगा दिया तो आप स्लो करके लेके जाओगे, सब थोड़े गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, तो अगर ऑब्स्टेकल है तो ऐसा नहीं कि उसको क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस तो करेगा ही, बट सम इट टू लूज सम पावर, इट टू लूज सम पोटेंशियल डिफरेंस, आई बात समझ में। तो अब कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, पोटेंशियल अप हो रहा है, माइनस से प्लस, माइनस था प्लस पर जाना है, आपके पास 20 रुपये था 50 पर जाना है, क्या करोगे, ऐड करोगे, कितना
तो प्लस आई इंटू आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई इंटू आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक ही फॉर्मूला होता है आई इंटू आर, तो प्लस आई आर इजक्वल टू कहाँ पर पहुँच गया, बी पर, तो इजक्वल टू वी। क्लियर है? तो यहाँ से वी को इधर कर लो, ई को उधर ले जाओ, आई आर को उधर लेते जाओ, तो ई माइनस आई आर, मैं उसी का यहाँ पर यूज किया हूँ। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन ये तो पता है ना, ए बी वी ए बी और वी ए बी बराबर हुआ, छः एम्पियर करंट था यहाँ पर, 6 एम्पियर करंट आया था, और ये कितना 3 × 5, तो 5×6=30। तो वी ए बी हमें पता था, यहाँ पर वी ए बी मैंने फार्मूला यूज किया और इसको 30 वोल्ट से जो कि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ऑलरेडी लिख लिया। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो लिख लो। हाँ ध्यान दो, दो क्वेश्चन फिर से है, आपको बोल रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दोनों में, कैसे बनाओगे? फाइंड आर ए बी, तो आप इसको देखो तो देखने से लगता है कि क्या है, सीरीज में, लेकिन सीरीज में नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जान जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग बोलते क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस तब तक, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस तब तक नहीं आएगा जब तक कि बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट की अगर पोटेंशियल ए मान ले, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, ए ही होगी, ए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई, इन दोनों जॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब इधर जाओगे तो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन इधर फिर से ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इस लाइन में, है ये भी पॉइंट क्या हो गया, ए। आई बात समझ में? अब इधर भी जाओगे तो रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस है, तो अब इधर का काम खत्म। इधर से आते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, बी, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा क्या, ये ए है बी है, ए और बी के बीच कनेक्शन करो, ए और बी के बीच में 6 ओम है, बी और ए के बीच में 12 ओम है, ए और बी के बीच में 24 ओम। तो दिख रहा था सीरीज में, लेकिन निकला किसमें, पैरेलल में। तो अब कितना आएगा, 1/3 आएगा क्या, देखो तो ना 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 कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये बताओ ये किस में है, सीरीज में पैरेलल में क्या है, तो फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। ये पॉइंट भी ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, इधर से बी अगर लेते हैं तो बी, ठीक है, लेकिन ध्यान दो ये दो को पॉइंट पता नहीं चल रहा है, ना तो ए ही हो रहा है ना तो बी ही, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं सी है, इधर से बी हो गया, इधर से ए हो गया, और ये बीच में सी हम ले लेते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, ए बी और बीच में कहीं एक सी ले लेता हूँ। अब ध्यान दो, पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, तो ये हो गया आपका आर हो गया ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में ये वाला है, बी और सी, बी एंड सी, समझोगे, ये किसके बीच में है, बी सी एंड बी मतलब सेम, ये किसके बीच में है, ए और सी। अब ये समझ में आ रहा है यार, ये अपना दिमाग में घूम सकता है कि हाँ भाई कैसे बनेगा, नहीं ये आर और ये आर किस में हो गया, पैरेलल में, तो पैरेलल में इनकी इक्विवेलेंट कितनी हो गई, आर बाई टू, इक्वल रेजिस्टेंस होने पर। अब आपका सर्किट बन गया, आर आर बाई टू आर, ठीक है, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर बाई टू कितना हो जाएगा, 3R/2, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3R/2। अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इंटू 3R/2 बाई R प्लस 3R/2, ये आ जाएगा
3R/5 आप करके देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट। कुछ बात समझ आई, क्लियर हुआ? ये कहाँ से फॉर्मूला है, R1R2/R1+R2, R1R2/R1+R2, ठीक है। फिर से समझ लो, हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया सर्किट को, अब देखा ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। इवन की एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन है तो ऐसे करके लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एरो को लंबा करके लिख देना, ठीक है, सीरीज। हाँ हाँ, जितना आपका डिस्टिंक्टली क्लियर पिक्चर दिखेंगे, क्वेश्चन दिखेगा, जैसा पेन से ये डायग्राम बनाओ, इसको पेंसिल्स कर दो सीरीज पैरेलल, है ना, तो आपको क्या है, नंबर कटेगा ही नहीं। अब यहाँ पर फिर से क्या हो गया, पैरेलल, ये ए था, ये आपका बी था, हो गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, हम लोग का कॉम्बिनेशन भी लगभग खत्म हो गया, अगले क्लास में हम लोग पावर ले करके इसको हरे कृष्णा कर देंगे।